सुबह के 8 बज चुके थे और अभी तक कोई भी अपनी नींद से नहीं जागा था, तो फिर क्या, मैं भी सोते रही। और फिर सुबह के 9 बज जाते हैं पर फिर भी कोई अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। पर मैं उठ जाती हूँ और करती हूँ ब्रश, और थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन एंटर करती है महाराष्ट्र में, जहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे दिल खुश कर देते हैं। और इतने में ही आ जाता है रत्नागिरी। तो रत्नागिरी स्टेशन पे उतरने के बाद सर्दी का एहसास होने लगा था, थोड़ी सी सर्दी पड़ रही है। अगर आप महाराष्ट्र में आए तो वड़ा पाव खाना तो बनता ही है, फिर क्या, मैंने लिए वड़ा पाव। और इसके बाद मैंने थोड़े से फ्रूट्स भी लिए और मैं ट्रेन में वापस आ गई। वड़ा पाव के साथ मैंने खाई ग्रीन चिली, ये बहुत ही टेस्टी था, पर इससे मेरा पेट कहाँ भरने वाला था। फिर मैंने खाया बनाना, फिर भी मेरा पेट नहीं भरा, तो मैंने खाए मखाने, और लास्ट में मैंने पी बाघ बकरी चाय। फिर मुझे डाउट आया, क्या बाघ बकरी चाय में बकरी का दूध होता है? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।